सर्दी की लहर बरकरार, कम से कम पारा 3 डिग्री पर ठहर गया। शहरी ठिठरने लगे, सरे शाम धुंध भी चली आई। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, एयरपोर्ट को भी फजाई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम भी आज रात पंजाब में दाखिल होगा। बादल लाहौर का चक्कर काटने लगे। महंगाई नए साल में भी चली आई, गरीब की सवारी मजीद महंगी। मोटरसाइकिल की कीमत में 2000 रुपए इजाफा, होंडा कंपनी ने 70cc मोटर बाइक 1500 रुपए महंगी कर दी। होंडा 125 2000 महंगा, नए साल के साथ कीमतों का भी इतला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जाएं तो कहां जाएं, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं। भेकेवाल मोड़ पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज, हुकूमत पर गरीब के चूल्हे बुझाने का इल्जाम। जमात इस्लामी भी हम आवाज, टाउनशिप और वादत रोड पर एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा, किचन चलाने में परेशान खवातीन ने भी तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। उस्मान मेहरबान, काबीना कमेटी ब्राय फाइनेंस से शहर के 4 मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब के फंड मंजूर। गुलाब देवी अंडर पास, शाहकाम फ्लाई ओवर, क्रीम ब्लॉक और शेरावाला गेट फ्लाई ओवर बनेगा। एलडीए के पास ऑरेंज लाइन के 10 अरब के रिवॉल्विंग फंड्स मौजूद, इस्तेमाल करें या नहीं फैसला चेयरमैन पीएनडी और सेक्रेटरी फाइनेंस का होगा। उस्मान बुजार की नजर, जनरल हॉस्पिटल की किस्मत चाक गई। मरीजों के लवाहिकिन के लिए नाकिस इंतजाम का नोटिस, इंतजार गाह की गुंजाइश 300 अफराद तक बढ़ाने की हिदायत। लवाहिकिन को बिस्तर और खाना भी मिलेगा। एमएस डॉक्टर अब्दुल रजाक, डॉक्टर जाफर शाह ने जायजा लिया। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, मेयो अस्पताल के शोभा अमराज चश्म की लिफ्ट खराब, बुजुर्ग मरीजों को शदीद मुश्किलात, मुआयने के लिए भी 7वीं मंजिल तक जाना पड़ता है। प्रोफेसर साहिबान और अमला भी परेशान। लाहौर में ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम के निफाज का मंसूबा नाकाम, लिबर्टी मार्केट में जदीद पार्किंग सिस्टम गैर फाल, पुराना पर्ची सिस्टम फिर से बहाल। डिजिटल पर्ची सिस्टम करप्शन रोकने में भी मुआवन साबित हो सकता था। जेलों में नया बहरान, सेहत सहूलियात का फुकदान, बढ़ते अमराज सवाल या निशान। 53,000 कैदियों के लिए 64 डॉक्टरों में से सिर्फ 43 पर तैनाती, 41 डेंटल टेक्नीशियंस में से 40 सीटें खाली, 110 डिस्पेंसर लेडी डिस्पेंसर की जगह सिर्फ 52 मुकर्रर। शहर में हादसात की बड़ी वजह बगैर फिटनेस गाड़ियां, जिम्मेदार इंस्पेक्शन टीम है। सूबाई वजीर आदम बशारत ने इजलास में निशानदही कर दी। लेस्को की मेहरबानियां, करप्शन और माली बदनुमानियों में मुलविस 219 अफसरान मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। नैप और FIA समेत जेरे इल्तवा महकमाना केसेस का रिकॉर्ड तलब। आला तालीम के निजाम में करप्शन की नकब, 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज में 6 अरब 61 करोड़ के गपलों का इंकशाफ। 10 वर्षों में 4,554 गैर कानूनी भर्तियां, खजाने को करोड़ों का नुकसान। डीजी एंटी करप्शन कमेटी की होशरुबार रिपोर्ट, सरकारी स्कूल्स के नॉन सरली बजट में भी करोड़ों के खुर्दबुर्द का इंकशाफ। पंजाब के 48,000 सरकारी स्कूल से IBAN नंबर तलब। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। महकमा माहौलियात ने दफ्तरी अमूर की बेहतरी के हवाले से अर्बन डेवलपमेंट से कंसल्टेंसी की खिदमात हासिल की, 13 करोड़ भी दिए, फिर उसी इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, अपने अफसरान की खिदमात ही मांगी। नैब लाहौर की कारकर्दगी में बेहतरी, 2020 में अरबों मालियत के 38 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए, 26 इन्वेस्टिगेशंस की बाकायदा मंजूरी हुई, 1 पर प्ली बार्गेन हुई, 40 इन्वेस्टिगेशंस पर तहकीकात जारी हैं। साल 2020 खत्म हो गया, गंदम की इमदादी कीमत 2000 ना हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की हिदायत की। हुकूमत पंजाब ने असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन का फैसला बाद में होगा, PDM का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ना अहल हुकूमत से निजात के लिए पहले से ज्यादा पुरज हैं। असीफे पार्टी की आदत तक पहुंच चुके, हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 1 माह की मुद्दत दे रहे हैं, फिर तय होगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की जाएं। इंडिया
एक नहीं 10 लॉन्ग मार्च कर लें, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब का अपोजिशन को 2023 तक इंतजार का मशवरा। पीटीआई स्पेन के वफ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी बरादरान से बिशप फ्रांसिस शाह की मुलाकात। शाफे हुसैन, इमार यासिर, जीएम सिकंदर भी मौजूद थे। चौधरी शजात हुसैन ने कहा, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत को एक होना होगा। रेस्क्यू 1122 की 33वीं पासिंग आउट परेड। 15 खवातीन समेत 446 अहलकार पास आउट हुए। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत मेहमान खुसूसी थे। तरबियत याफ्ता अहलकारों ने हंगामी इमदाद का अमली मुजाहरा किया। नया साल नया किरदार, फिर दो साक्षी कमान बनी इस बार रेस्क्यू अहलकार। मुआवने खुसूसी ने फायर फाइटर का रूप धार लिया, हेलमेट पहना, बाइक चलाई, मरियम नवाज को रेस्क्यू करने के लिए तैयारी दिखाई। फिरदौस मासी में बतौर क्रिकेटर, बॉक्सर और फुटबॉलर भी देखी गई हैं। शहरियों की सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान ऑनलाइन सिस्टम का आगाज। 23 बैंकों की मोबाइल बैंकिंग हासिल। 21 बैंकों में एटीएम के जरिए भी चालान जमा करवाया जा सकेगा। पाकिस्तान की कदीम जामियात में से एक जीसीयू के 157 वर्ष मुकम्मल। फाउंडर्स डे का एहतमाम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, डॉक्टर शौकत अली, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान की शिरकत। इंतजामी और तालीमी शोभा जात के सदूर के हमराह के काटा गया। 9 लाख चर्च में नए साल का मेला। शुरका की सरसों के साथ से तबासो। बारबेक्यू की महक, बिरयानी और चटकारेदार लड्डू के तो क्या ही कहने। बच्चों ने झूले झूले, सूबाई वजीर इजाज आलम की भी शिरकत। नैब लाहौर की कारकर्दगी में बेहतरी। 2020 में अरबों मालियत के 38 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए। 26 इन्वेस्टिगेशंस की बाकायदा मंजूरी हुई। एक पर प्ली बार्गेन हुई। 40 इन्वेस्टिगेशंस पर तहकीकात जारी हैं। साल 2020 खत्म हो गया, गंदम की इमदादी कीमत 2000 ना हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की हिदायत की। हुकूमत पंजाब ने असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इलेक्शन का फैसला बाद में होगा, पीडीएम का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ना अहल हुकूमत से निजात के लिए पहले से ज्यादा पुरज हैं। असीफे पार्टी की आदत तक पहुंच चुके, हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 1 माह की मुद्दत दे रहे हैं। फिर तय होगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की जाए। एक नहीं 10 लॉन्ग मार्च कर लें, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। गवर्नर पंजाब का अपोजिशन को 2023 तक इंतजार का मशवरा। पीटीआई स्पेन के वफ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी बरादरान से बिशप फ्रांसिस शाह की मुलाकात। शाफे हुसैन, इमार यासिर, जीएम सिकंदर भी मौजूद थे। चौधरी शजात हुसैन ने कहा, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत को एक होना होगा। रेस्क्यू 1122 की 33वीं पासिंग आउट परेड। 15 खवातीन समेत 446 अहलकार पास आउट हुए। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत मेहमान खुसूसी थे। तरबियत याफ्ता अहलकारों ने हंगामी इमदाद का अमली मुजाहरा किया।